और अब बड़ी खबर ग्वालियर से मिल रही है। सेंट्रल जेल में कैदी ने फांसी लगाई है, मौके पर ही कैदी की मौत हो गई। जेल में हड़कंप मच गया है। आत्महत्या करने वाले कैदी का नाम दीपक रजक बताया जा रहा है। हत्या मामले में ये उम्र कैद की सजा काट रहा था। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार भी चल रहा था ये कैदी। जेल परिसर के अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। जेल प्रशासन ने थाना बहोड़ापुर पुलिस को सूचना दी है। तो मानसिक रूप से ये कैदी बीमार भी चल रहा था, ये भी जानकारी हम तक अभी तक सामने आई है। ग्वालियर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सेंट्रल जेल में कैदी ने फांसी लगाई है। हमारे साथ स्थानीय संवाददाता संतोष सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, क्या था ये पूरा वाक्या? फिलहाल कुछ जो भी कारण अभी तक पता चल पाए हूं इस घटना से जुड़े। देखिए विवेक, मैं आपको बता दूं, रविवार के दिन ग्वालियर की सेंट्रल जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कैदी है जो कि मेंटल हॉस्पिटल, मतलब जेल के अंदर एक मेंटल हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में उसने अपनी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद आनन फानन में थाना बोरापुर पुलिस को सूचना दी गई है। थाना बोरापुर पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया। एफएसएल की टीम भी वहां मौके पर पहुंची और सारे तथ्यों को रिकॉर्ड किया। इसके बाद जो मृतक कैदी है उसकी शव को पीएम यानी कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और यानी कि कल सोमवार को इसका डॉक्टरों का पैनल के द्वारा एक पोस्टमार्टम किया जाएगा। वहीं इसमें मेडिकल जांच के भी आदेश कर दिए गए हैं। अगर बात की जाए कैदी कौन था, तो कैदी का नाम दीपक रजक बताया गया है और ये वर्ष 2018 में एक भोपाल में हत्याकांड में एक शामिल था। उस मामले में इसको आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। कुछ ही समय पहले इसको भोपाल से ग्वालियर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया था और चूंकि ये मेंटल मानसिक रूप से बीमार था और इसका इलाज यहाँ चल रहा था, यानी कि सेंट्रल जेल के हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था, इसी दौरान आज इसने सुसाइड कर लिया है। लेकिन सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है किस परिस्थिति में इन्हें सुसाइड किया। लेकिन यह भी जो मौके पे बोरापुर थाना पुलिस पहुंची है तो उनने इसको जो एक साफी रहती है यानी कि गमछा कह सकते हैं, उससे इसने अपने गले पर फंदा बनाया और फांसी पर झूल गया। अब इस पूरे मामले को लेकर कल पोस्टमार्टम किया जाना है और पोस्टमार्टम के बाद ही जिस तरह से रिपोर्ट आई उस अनुसार बोरापुर थाना पुलिस इस मामले को आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल, लेकिन हम देखते हैं कि जो मेंटल हॉस्पिटल होता है वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। जाहिर सी बात है, मानसिक रूप से जो बीमार व्यक्ति होता है वो किसी भी तरह का डिसीजन ले सकता है, उसका अपने दिमाग पर काबू नहीं होता। तो ऐसे में क्या इंतजाम उस तरह के नहीं थे कि कैदी पर निगाह रखी जा सके? क्योंकि एहतियातन इस बात की भी रखी जाती है, वार्डन ये भी देखते हैं कि किसी भी प्रकार का ऐसा कोई उसे साधन ना मिल जाए, जैसे बेडशीट होती है, दुपट्टा होता है, जिसके सहारे कैदी मान लीजिए मानसिक रूप से जो रोगी रहते हैं वो किसी प्रकार का कदम उठा सकते हैं। देखिए बेबे, इस मामले की गंभीरता के बाद देर शाम अभी नया ताजा अपडेट ये प्राप्त हुआ है कि इस मामले में दो जो सुरक्षा पैरी थे जो मेंटल वार्ड में रहते हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है, इस पूरे मामले की अभी बड़ी खबर ये है। आज से अभी से 5 मिनट पहले ही इस तरह के आदेश जारी हुए हैं। जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, मेरे को जो खबर मिली है उसमें दो सुरक्षा पैरी हैं उनको निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है, यानी कि इस मामले की अब जेल प्रशासन में हड़कंप है और जेल प्रशासन इस पूरे मामले की तह तक जाने की बात कर रहा है। हमारी जो फोन पर चर्चा हुई है सुप्रिंटेंडेंट जेल से, उनका ये कहना है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने वीडियोग्राफी की है, घटना के सारे तथ्यों को उन्होंने अपने वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड किया है। वहीं बोरापुर थाने को हमने सूचना दी है, बोरापुर थाना मौके पर पहुंची है, उन्होंने जो बॉडी है उसको उतारा है, उसके बाद उसको पीएम के लिए भेजा है, यानी कि अब कल पीएम किया जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट में जो खुलासा होगा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस मामले में जो जेल प्रशासन है इन्होंने उनके जो मृतक है यानी कि जो कैदी था मृतक उसके भाई यानी कि जो भोपाल में रहते हैं उनको सूचना दे दी गई है। वो भी देर रात तक यहाँ ग्वालियर पहुंचने की उम्मीद है और कल जेल के प्रशासन के साथ उनके परिजनों के साथ मुलाकात होगी और पूरे मामले की कार्रवाई अब थाना बलापुर कर रहा है। जी विवेक, चलिए आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता संतोष जो कि बता रहे थे कि इस मामले में दो वार्डन जिन्हें निलंबित कर दिया गया है, तो मानसिक रूप से बीमार चल रहे इस कैदी ने फांसी लगा ली जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। और केंद्रीय जेल में जो मेंटल हॉस्पिटल है वहीं इसका इलाज चल रहा था।